आज हम बनाएंगे अनारसा। वैसे तो अनारसा बनाने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। पहले चावल को भिगोना होता है, उसके बाद फिर उसको सुखा के फिर उसके बाद हम उसका चावल का आटा तैयार करते हैं। लेकिन हम आज इंस्टेंट अनारसे की रेसिपी लेकर आए हैं। ये देखिए, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट अनारसे बनके तैयार हुई है। तो चलिए अनारसा बनाना शुरू करते हैं अभी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अनारसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिए हैं वाइट वाला तिल। ये 50 ग्राम के करीब वाइट वाला तिल है। और हम 1 कप लिए हैं चावल का आटा। और इसमें हम लेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप उसको मिक्सी में चला के पाउडर शुगर तैयार कर सकते हैं। और 3 चम्मच हम इसमें लिए हैं घी। और हम 1 बाउल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। अगर घी को मेल्ट करके डालेंगे तो ये आपको 5 या 6 चम्मच हो जाएगी। और हम चावल के आटे में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसके जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, फॉर्चून तेल। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चावल के आटे में। अनारसे को आप 12 से 13 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये 12 से 13 दिन अच्छे से स्टोर होके रहता है। और अभी यूपी बिहार में अभी जुलाई अगस्त के टाइम में अनारसे मिलने चालू हो जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई चीनी और अच्छे से मोइन तैयार हो गए थे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे चावल के आटे में। इस तरह से बनाएंगे अनारसे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, सबको बहुत पसंद आती है। इसमें हम डाल देंगे दूध। 1 कप हम इसमें दूध लिए हैं। दूध रूम टेम्परेचर पर है, बॉईल करके इसको ठंडा कर लिए थे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को ऐड करेंगे और इसका हम डो तैयार कर लेंगे। इंस्टेंट अनारसा हम बना रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका हम डो तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसको तीज के व्रत में भी बना सकते हैं अनारसे को। इसमें थोड़ा थोड़ा और दूध ऐड करेंगे, एक साथ दूध ऐड ना करें क्योंकि हम इसमें चीनी का भी पिसी हुई चीनी का यूज किए हैं। ये देखिए डो, इसका हम मसल लेंगे हाथों से। डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और डो हम थोड़ा टाइट ही लगाए हैं क्योंकि पिसी हुई चीनी इसमें ऐड किए हैं तो वो भी थोड़ा मेल्ट होगी। और ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं डो को और इसको अच्छे से फिर से मसलते हुए डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट डो तैयार हो गई है। अब दोनों हाथ में हम अच्छे से घी लगा देंगे और हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए मैंने बॉल्स अच्छे से बना लिए हैं और डो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो अच्छे से बॉल्स तैयार हो गए हैं। और चारों तरफ से हम इसमें लगा देंगे तिल को और एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक और हम आप लोग को बना के दिखाते हैं।
डो लेंगे और इसको अच्छे से बॉल बना देंगे, नींबू के आकार जितना हम इसका बॉल्स बना रहे हैं, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, लपेट लेंगे तेल में अच्छे से। ये देखिए सारे अनारसे को बना के हम तैयार कर लिए हैं और कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई को हमें ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम टू लो पे रखेंगे। और हम इसमें एक छोटा सा अनारसा डाल रहे हैं और ये देखिए अच्छे से हो गई है। तो अब एक एक करके सारे अनारसे को हम इसमें डाल देंगे और ये देखिए दूसरे तरफ से भी हम पलट के इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम ही रखिएगा क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे अनारसे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए 5-6 मिनट तक हम अनारसे को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए बहुत बढ़िया गोल्डन हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अनारसे बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया कलर भी आ गई है। सारे अनारसे को हम प्लेट में निकाल लिए हैं और आप लोग को तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए अनारसे ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।